बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल, आज आपकी खिदमत में इन सर्च ऑफ विजडम का एपिसोड नंबर 39। हम 39वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं और आज हमारा फोकस जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ विनर यासर अराफात पे होगा। इससे पहले हम जो नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर चुके हैं उसमें हमने बांग्लादेश से बात शुरू की थी जिसमें मोहम्मद यूनस थे, फिर हम ईरान गए वहाँ शीरी इबादी थी, फिर हम अमेरिका आए जहाँ मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, अब हम आपको मिडल ईस्ट लेके जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि मशरक़ वस्ता की तारीख बहुत ही पेचीदा, बहुत ही गुंजलक, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यरूशलम जो था उसके अंदर जो तीनों मोनोथीस्टिक रिलीजन्स हैं, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बल्कि मैं जब ओल्ड यरूशलम गया था तो वहाँ अलग अलग सेक्शंस हैं, मस्जिद अक्सा एक तरफ है, दीवार गिरिया एक तरफ है, वो क्रिश्चियंस का अपनी जगह, बल्कि एक और सेक्शन भी है आर्मेनियन, लेकिन उसको ज़्यादा इतनी अहमियत नहीं जाती। तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आज हम थोड़ा सा इस हवाले से बात करेंगे कि ये जो मजहबी रवायतें हैं ये कहाँ सियासत के साथ आके उलझ गईं और उनको इन पीस मेकर्स ने कुछ सुलझाने की कोशिश की, कुछ कामयाब हुए, कुछ कामयाब नहीं भी हुए। तो इसके बाद जो अगला हम करेंगे उसमें हम यिट्सक रबिन की बात करेंगे क्योंकि इन दोनों को बयक वक्त एक तीसरे शख्स को भी मिला था, लेकिन इन दो पे हम अपनी तवज्जो फोकस करेंगे। तो यासर अराफात को भी नोबेल प्राइज़ 1994 में मिला और यिट्सक रबिन को भी। तो इस एपिसोड में हम यासर अराफात की बात करेंगे और अगले एपिसोड में हम यिट्सक रबिन की। लेकिन यासर अराफात पे जाने से पहले, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हैं, बाज़ उनको बहुत ही उनके मद्दा हैं जो उनको ऑब्वियसली एक पीस मेकर और उनको नोबेल पीस प्राइज़ की बात करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो उनको थोड़ा सा शक की निगाह से देखते हैं और क्योंकि उनकी आर्म स्ट्रगल जो थी वो कहते हैं कि जी ये तो जो आर्म स्ट्रगल वाले हैं ये पीस मेकर कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक किताब दिखाने लाया हूँ, ये अराफात, इसका जो टाइटल है इस वजह से लाने, इसका टाइटल उन्होंने लिखा है टेररिस्ट और पीस मेकर, कोई एलन हार्ट साहब। तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हैं और मुझसे बल्कि बुलंद इकबाल साहब कह रहे थे कि बात दबे छुपे अल्फाज में हो जाए या खुल के बात हो जाए, तो मैंने कहा नहीं नहीं आप खुलकर बात करें जो आपके तासरात हैं। तो आज हो सकता है हम कुछ ऐसी बातें करें जो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हो, लेकिन मेरा ख्याल है 39वें प्रोग्राम तक हम पहुंचते इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब आप हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज जो हमारी हैं, तुम्हारा तबादले ख्याल में जो इख्तलाफ राय भी है वो आप बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग हम डिस्कशन बनाना चाहते हैं कि हम किसी के ना तरफदार हैं और ना किसी के ख़िलाफ़ हैं, हम अपने तौर पे एक मारूजी अंदाज से बात करना चाहेंगे। बुलंद साहब अपनी राय देंगे, मैं आपको अपनी राय दूंगा, फिर आप तो जहीन सामईन आप अपनी राय रखते होंगे, आप उसके बारे में सोचेंगे। तो बुलंद इकबाल साहब ये बताएं कि ये जो 3-4 हज़ार साल से पूरे फ़लस्तीन में, उसके बाद जनाब ये इसराइल बन गया, फिर फ़लस्तीन आ गया, वो कहते हैं जी हम ओल्ड टेस्टामेंट में है कि ये हमारी जगह है, फ़लस्तीनी कहते हैं कि ये हमारी जगह है, हम फ़लस्तीन थे, आपने बीच में आके इसराइल बना दिया। तो आप ये बताएं कि आप इस इलाके की जो तारीखी अहमियत है उसमें मजहबी रवायत और जो सियासी तजाद है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? डॉक्टर साहब दोनों है मतलब मेजर इश्यूज, ऐसा नहीं है कि हम मजहबी मामले को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तो खैर पुराना सिलसिला है। यानी अगर दो लफ्जों में बात की जाए तो ये सिलसिला तो जाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से, जिनको डेविड ये लिखते हैं, किंग डेविड, 1000 साल कबल मसीह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 1000 साल पहले, उनके बेटे जो सलमन या जिनको हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं, उन्होंने बुनियाद रखी थी वहाँ पे, वो टॉम वगैरह एक बनाया था एक इसी जगह यरूशलम के अंदर, और उसके बाद फिर रोमन एम्पायर ने उसको तोड़ भी दिया था, यानी बेबुलिनियन जब आए थे तो उन्होंने तोड़ दिया था, उसके बाद फिर दोबारा बना, यानी कोई 500 साल कबल मसीह 517 में दोबारा बनाया गया, फिर उसको दोबारा तोड़ा गया। तो ये सिलसिला चला और उसके बाद फिर ये जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो गई तो 70 AD के अंदर एक बार फिर सिलसिला ख़त्म किया गया और ये ज़्यादातर फिर अपने इबादत गाहों की तरफ महदूद होते चले गए। लेकिन यरूशलम के अंदर बहरहाल एक बहुत बड़ी वो मस्जिद अक्सा है वहाँ पर, जो मुसलमानों के लिए थर्ड होलीस्ट प्लेस है क्योंकि वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, जन्नत की बखौल कैसे बिशारत हुई थी, या फिर जैसा भी आपने फरमाया ये जो टॉम है ये है इनके लिए, और फिर हज़रत ईसा
को क्रूसीफाइड किया गया था, तो तीनों के लिए था। मगर असल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए हमें थोड़ा सा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के करीब चले जाना चाहिए, हमें देख लेना चाहिए कि मुस्लिम स्टेट के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ ऑटोमन एम्पायर का, तो वो ऑटोमन एम्पायर कोई 400-500 सालों के बाद वीक होती चली गई थी, यानी 19वीं सेंचुरी के आखिर तक ये इतनी वीक हो गई थी कि चीज़ें टूटनी शुरू हो गई थी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसार आने शुरू हो गए थे। और ये पूरा एरिया जो हमारा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का जो है इलाका और सारी जो स्टेट्स थी, वेस्टर्न स्टेट जो थी, वहाँ नेशनलिज्म की वाइब्रेशन आ गई थी। उसी दौर में ही हमको थियोडोर हेजल नज़र आते हैं, वो जर्नलिस्ट जो ज्यूश हैं, उन्होंने सबसे पहले ज़ायनिज्म की बात की कि साहब वो हमारी भी कोई जगह होनी चाहिए, 2000 साल से हम भटक रहे हैं। तो तमाम दुनिया के जो हैं वो ज्यूज जो हैं वो इस तरफ माइग्रेट करें, और ये सिलसिला शुरू हो गया था। तो एक नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से वो सिलसिला शुरू हुआ। और ब्रिटिश, हमें पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश एक तरफ थे और दूसरी तरफ ब्रिटिश साथ फ्रांस था और रशिया था, और बाद में अमेरिका भी हुआ, चाइना भी और जापान भी, और पूरी स्टेट्स एक तरफ अलायंस बनते चले गए। दूसरी तरफ यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर थी, ऑटोमन एम्पायर जो है वो टूट रही थी और अरबिक स्टेट भी इनके खिलाफ थी। तो ब्रिटिश जो कि मेन पावर था, मेन फाइटर था, वो एक वक्त में कई एक जगह उसने वादे कर लिए थे कि अगर ये ऑटोमन एम्पायर जब टूटेगी तो ये जो फलस्तीन का इलाका है ये हम दे देंगे। तो वो 2-3 वहाँ उस जमाने में एग्रीमेंट्स हुए थे, एक बेलफोर डिक्लेरेशन कहलाता है, उन्होंने कहा कि साहब हम अरबिक ज्यूश को दे देंगे फलस्तीन और वहाँ आप अपनी स्टेट बना लीजिएगा। दूसरी तरफ फिर उसी दौरान वो एक साइक पिकोट के नाम से भी एक नाम सुना जाता है, वो भी उन्होंने कर दिया था। वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही मामला तय हो गए थे कि जब ये ऑटोमन एम्पायर टूटेगा तो हम रशिया को दे देंगे और या फिर हम फ्रांस को दे देंगे। तो ये एक वक्त में कई जगह वादे, अरबिक स्टेट्स से भी, सऊदी अरब से भी उन्होंने वादा कर लिया था कि हम आपको दे देंगे फलस्तीन। तो 3-4 जगह वादे किए गए थे, मतलब ये कि वादा निभाना था नहीं, क्योंकि हुआ भी ये कि जब वो ऑटोमन एम्पायर टूट गई तो उल्टा ब्रिटिशर्स का मैंडेट वहां पर आया और वो सिलसिला शुरू हो गया। और फिर सेकंड वर्ल्ड वार आ गई, हमने देखा कि 39 और 45 के दरमियान जो 6 मिलियन यहूदियों का बेचारों का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद वो बिलाखिर इसी तरफ भागे, सारे यूरोप से इधर ही आए, फलस्तीन की तरफ ही आए माइग्रेट करके। तो एक रश बढ़ा और फिर ब्रिटिशर्स ने कह भी दिया था कि जब तक माइग्रेशन होगी नहीं तब तक मैंडेट तो कामयाब होगा नहीं। तो नतीजा होगा वही जो 3% थे ऑटोमन एम्पायर में वो 30% हो गए और माइग्रेशन बढ़ता चला गया। और फिर 1947 में एक तरफ जब पाकिस्तान बना तो दूसरी तरफ अपने इसराइल स्टेट को भी डिक्लेयर कर दिया इन्होंने, अपने क्या नाम है इनका, यूएन रेजोल्यूशन पास हो गया और उसके बाद जंग शुरू हो गई। उसके बाद हमने देखा कि वो सारी की सारी जो अरबिक स्टेट सराउंडिंग में मौजूद थी, क्या सीरिया, क्या इराक और इजिप्ट और ट्रांस जॉर्डन, उन्होंने हमला किया और उल्टा ही मामला हो गया, इसराइल ने उल्टा उनको हरा दिया, वो जंग हार गए। उसके बाद फिर दूसरी जंग हुई, वो 6 डेज हुई 1967 में, उसमें तो फिर उन्होंने तो उल्टा इनकी भी जगह ले ली, ना वो क्या नाम था उसका जो सिनाई पेनिनसुला वो भी ले लिया और गाजा स्ट्रिप भी इनके पास आ गई और गोलन हाइट्स भी आ गए, काफ़ी बड़ा इलाका आ गया। बल्कि उसके बाद फिर हमने देखा कि 1978 का वो एक सिलसिला हुआ कैम्प डेविड का, और उसमें फिर मामला तय हुए, उन्होंने कहा कि भैया ले दे के काम करो और हम आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यूं मिस्र याद होगा आपको सामने आया और उसके बाद उनका कत्ल भी हुआ अनवर सादात का, क्योंकि उन्होंने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद उनका कत्ल हुआ और फिर मामला आगे बढ़े। तो मैं बोलता चला जाऊंगा, आप मेरे लिए दिलचस्पी की बात ये थी कि जब बलंद इकबाल, जब मैंने वो इसराइल की बर्थ के बारे में जब वो हजल की किताब पढ़ी ज़ायनिज़्म के बारे में, तो मेरे लिए दिलचस्पी की बात थी कि 3 ऑप्शंस थी, उन्होंने 3 जगह मांगी थी, 3 में से एक फलस्तीन में था, एक अर्जेंटीना में था, अच्छा, और एक कनाडा में था। लोगों को पता नहीं, लोग इस हवाले से जानते नहीं, अच्छा। तो कनाडा और जो अर्जेंटीना का था वो बात नहीं बनी, तो फलस्तीन में तो 1 of the 3 उन्होंने जो ज्यूइश स्टेट थी वो कह रहे थे इन तीनों में से एक जगह आप हमें दे दें। मैं सोचा करता हूँ कि अगर फलस्तीन वहां इसराइल बनने की बजाय कनाडा का थी या आयरलैंड हो या अर्जेंटीना में होता तो दुनिया की तारीख सही बात है। तो अब हम आते हैं यासर अरफात की तरफ। तो मैं आपको चंद बातें अपने हवाले से जो मेरे नज़र आई, तो ख्वातीन हज़रात ये जो यासर अरफात है बहुत ही कंट्रोवर्शियल, ये कायरो में पैदा हुए, इनकी वालदा जो थी वो उनका ताल्लुक यरूशलम से था और वो 4 साल, इनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी तो वो फौत हो गई। इनके वालिद मुझे लगता है कुछ थोड़े से जाबिराना, कुछ आमिराना का मिजाज था और काफ़ी कंट्रोलिंग थी, तो इस वजह से इनका अपने वालिद के साथ
एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। और मज़े की बात यह है कि वो जो मैंने जो उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था कि उन्होंने इनकी जब बचपन में जो मारपीट की उसकी एक वजह यह थी कि यासर अरफात बचपन में ये ज्यूश क्वार्टर चले जाते थे, ये ज्यूश इलाके को, मतलब अपने क्यूरियस, तो वो कहते थे यहाँ मत जाओ। तो मुझे लगता है कि इनके अंदर एक ज्यूश जो उनकी कल्चर है या रिलीजन है उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी बचपन से। बाद में फिर उन्होंने ये जो है ना ये जो हल्स की किताब पढ़ी और ज़ायनिज़्म को स्टडी किया, ये किया। फिर 44 में ये किंग फवाद यूनिवर्सिटी में गए और अभी दो तीन साल इनका ख्याल था कि ये इंजीनियर बनेंगे, सिविल इंजीनियर। लेकिन ये जब 46-47 का सब जो इसराइल की और ये जो जंग शुरू हुई तो 46 में, तो इसका मतलब ये कि 29 की पैदाइश है, तो 30-40 मतलब ये टीनेज, मतलब लेट टीन्स में ये इनका अरब नेशनलिज्म की तरफ झुकाव शुरू हो गया। और उसके बाद ये कई इलाकों में, मतलब जॉर्डन में, उसके बाद ये ट्यूनिसिया में, और मतलब ये बेचारे, मैं इसके हवाले से समझता हूँ कि इन्वॉल्व तो हो गए अरब नेशनलिज्म, और इनके मतलब है जो बना ली इन्होंने जो थी फतह पॉलिटिकल पार्टी 1959 में, मतलब 30 साल इनकी उम्र है। तो अब ये 19-20 साल से इनकी इन्वॉल्वमेंट शुरू है, 30 साल तक बिल्कुल ये फतह पॉलिटिकल पार्टी बन गई 1959 में, और फिर चेयरमैन पीएलओ के 1969 में आ गए और ये पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए। और फिर इनके जो कॉन्फ्लिक्ट थे, मतलब इसराइल के यहूदियों के साथ अपनी तरफ, लेकिन जॉर्डन में इनका मसला है, सीरिया में मसला है, बल्कि इनको ट्यूनिसिया जाना पड़ा। तो एक तरह से अब ये छुपते फिरते रहे और इनका जो ग्रुप था वो काफ़ी मसाइल का हर तरफ से एक चुम्बकी लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि कहाँ पहुँच, जहाँ पहुँच जमाने की कोशिश करते हैं वहाँ एक तरह से मतलब वहाँ से उखड़ जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। फिर ये तकरीबन मेरा ख्याल 1993 में जो है ये बात चलती है, इनकी जो ओस्लो एकॉर्ड्स की बात होती है, पीस की बात होती है, और उसके बाद मेरा ख्याल ये जो उनका हैंडशेक है जो एक तारीखी वो है, उसमें क्लिंटन इन्वॉल्व होते हैं और इनको 94 में जो नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। फिर इनकी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि एक चेंज आई और ये वापस गाज़ा में आ गए, और गाज़ा में फिर आखिरी जो 1994 से 2004 तक जो रहे ये गाज़ा में रहे, और वहाँ पर भी इनकी बहुत मुश्किलात थी, फिर इसराइल ने उनको मुश्किल, मतलब एक तरह से हाउस बाउंड थे। अब दिलचस्पी के मेरे लिए हम दूसरे उसमें बात करेंगे पार्ट टू में कि उन्हीं दिनों इन्होंने शादी भी कर ली, ये भी एक ज़ाती बात है 1990 में। तो अब इन साहब की उम्र 61 है और वो जो मोहतरमा है वो क्रिश्चियन पैलेस्टीनियन, वो 26-27 साल की, और फिर 5 साल के बाद इनकी बेटी होती है और उसका नाम ये अपनी माँ के नाम पे। जहाँ मैंने देखा, मुझे क्योंकि साइकोलॉजिकली मेरा इंटरेस्ट था कि इन्होंने उसका नाम, बेटी का नाम जो रखा जहवा, जो इनकी वालदा का नाम था जो ये 4 साल के थे जब वो फौत हो गए। तो बहरहाल मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि वैसे तो ये इंजीनियर बन गए लेकिन पॉलिटिकली इतने इन्वॉल्व हो गए और एक गुरिल्ला वॉर में इन्वॉल्व हो गए और बहुत सी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो गई। तो मतलब है कि काफ़ी कुछ बात बड़ी पेचीदा किस्म की है। तो हम ये ब्रेक लेते हैं, हम दोबारा आते हैं। तो ख्वातीन हज़रात, ये बहुत ही गुंजलक और कॉम्प्लिकेटेड मामला है यासर अरफात की ज़िंदगी का, ज़ाती भी, इज़दवाजी भी, सियासी भी, पॉलिटिकल भी, मतलब है काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और दोबारा इनका नफ्सियाती और सियासी हवाले से हम तबादला ख्याल करते हैं। तो Jewel One Residencies, 4-star service apartments with the facility of daily rental income, a luxury housing project in the heart of Lahore Gulberg, with 3 to 4.5 years easy installment plans starting from 172,950 rupees only, equipped with all the amenities of modern lifestyle. 1, 2, and 3-bedroom super luxury apartments with attached Spanish bath, Chinese and Spanish flooring, spacious living room, Italian designed kitchen with built-in appliances, reception area, lobby, wide car parking, coffee shop, restaurants, swimming pool, gymnasium, fastest elevators, and a lot more.
where a dream life is waiting for you and for your family. Jewel One Residencies, your dream world. कोविड 19 का हल सिर्फ आपके पास है। घर पर रहें और अगर आपको बुखार या दूसरी अलामत है तो दूसरों से दूर रहें। बाहर के अफराद से 2 मीटर का फासला रखें, चाहे वो खानदान के हों या करीबी दोस्त। ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर मास्क पहनें, वक्फे वक्फे से हाथ धोएं, ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करें और जरूरत पड़ने पर टेस्ट करवाएं। फैलाव की रोकथाम के लिए हमारा फर्ज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हम एक दूसरे के तावन से सबकी हिफाजत यकीनी बना सकते हैं। मजीद जानने के लिए ontario.ca/coronavirus पर विजिट कीजिए। अमेरिका और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में डिस्प्यूट्स और कानूनी मामलात, बिलखुसूस विरासत, जायदाद और प्रॉपर्टी, नाजायज कब्जा, जाली डॉक्यूमेंट्स, फ्रॉड, फैमिली केसेस, किरायादारी, क्रिमिनल केसेस और लेन देन के मामलात वगैरह की वकालत और मुशावरत के लिए पाकिस्तानी लॉ फर्म चौहान लॉ चैम्बर्स, वेबसाइट www.johanlawchambers.com, फोन +92 333 424 7447। Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. घर खरीदने का इरादा हो तो सबसे बड़ा मसला मॉर्गेज की अप्रूवल, मगर अब ये मसला नहीं रहा क्योंकि हमारे साथ हैं मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। मॉर्गेज अप्रूवल सिर्फ एक कॉल के फासले पर, कॉल कीजिए 416-666-1563 और $3,000 कैश हासिल करें। सम कंडीशंस अप्लाई, कॉल कीजिए 416-666-1563। मॉर्गेज एडवाइजर मोइन अहमद। स्ट्रेंथ लाइज इन डिफरेंसेस, नॉट इन सिमिलैरिटीज। Over 118,000 people call Pickering Uxbridge home. From Lake Ontario to Ravenshoe Road, from York-Durham Line to Lake Ridge Road, the diversity of our riding is growing. The constituents of Pickering Uxbridge are ready for change. Hi, my name is Taha Sheikh. I'm 25 years young, born and raised in Ontario, and I'm seeking nomination to become your next MPP candidate for the riding of Pickering Uxbridge. I'm a passionate, educated leader who's ready to bring change to deserving residents of Pickering Uxbridge. Whether that's transit expansion, working with overflowing schools, or outlining a plan for job creation and development, I'm ready to lead. My fellow residents of Pickering Uxbridge, I need your support. Become a member now and invest in the future of Ontario by nominating a young, strong candidate as your next Liberal MPP for Pickering Uxbridge. My name is Taha Sheikh, and I'm ready to lead. ख्वातीन हज़रात, आज बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल एपिसोड 39 इन सर्च ऑफ विजडम का हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और फोकस है यासर अरफात, जिनको 1994 में नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन यासर अरफात की शख्सियत हम बाकी मुस्लिम ममालिक, मशरक़ मुस्तक़े और इसराइल के बगैर हम उस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बुलंद इकबाल साहब, आप ये बताएं कि ये 93 में जो एपिसोड हुआ, उसके बाद इनको 94 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो उस वक्त आप ये बताएं कि मशरक़ वस्ता में बाकी जो मुस्लिम ममालिक थे, तो फ़लस्तीनी जो हैं वो एक तरफ इसराइल के साथ और दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक के साथ, तो ये क्या सूरत हाल थी, क्या नाइडा में? आपने जो बात की थी ना नफ्सियाती हवाले से, हम जरूर से बात करेंगे क्योंकि इनके बाप की शख्सियत वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने फरमाया था ना वालिद साहब, अच्छा वालिद साहब की सारी जिंदगी फैमिली के हिस्से में लैंड के चक्कर में गुजरी। बड़ी मजेदार बात ये देखिए, 25 साल तक वो आदमी लीगल अदालतों के चक्कर लगाता रहा और नाकाम हुआ, और बेटा जो है वो नेशनलिस्ट रहा और फलस्तीन की जमीन के लिए लड़ा, तो एक कंपेरिजन वहां नजर आता है। बाप से नाराजगी इतनी हुई कि तदफीन में भी नहीं गया, बिल्कुल है ना, मुंह भी नहीं देखा मरने के बाद उनका।
हालांकि उसको इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में पढ़ रहे थे। अच्छा मैंने ये देखा है कि 56 में जब उन्होंने इंजीनियरिंग खत्म की तो 59 में यानी 56 में जब तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैरो में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उस वक्त तक वो स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थे उसके वो सदर बने हुए थे। 59 में उन्होंने अपने उन्हीं दोस्तों के साथ और कुछ और इमदाद के जरिए से, क्योंकि अरबिक स्टेट्स को लेना नहीं चाहते थे इमदाद, तो उन्होंने ये फतेह बना ली। और 59 से 67 तक जब देखिए 67 के अंदर जब ये हारते हैं इन, जब जब इनकी इसराइल ने बहरहाल पिटाई की अच्छी तरह से, तो ये इनके अंदर एक सिलसिला शुरू होता है और ये 59 से 67 के अंदर इनके क्रेडेंशियल्स तैयार हो जाते हैं। ये जॉर्डन में बैठकर ये एक बाजाबता पूरा फैला देते हैं, एक जिसे कहते हैं ना वो वार गोरिल्ला वार करते हैं। और इनका सारा काम यही है कि ये जाकर वेस्ट वो जो है इलाका वेस्ट बैंक का इलाका जो है वहां पर सब हो रहा है, नो सिविलियंस को भी पकड़ लेंगे। अच्छा उसके बाद 67 के बाद जब ये जंग हार जाते हैं तो उसके बाद इनको पीएलओ का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और अब इजिप्ट भी इनके पीछे आ गया। अब ये भी बात तय हो गई है कि ये इजिप्ट है और ये जो है ये लड़ नहीं पा रहे हैं इसराइल से, तो इन्होंने कहा कि गोरिल्ला फाइट शुरू कर दी जाए और पीएलओ को फिट किया जाए पीछे से। अब पीएलओ जो है वो जॉर्डन में है इनका मरकजी दफ्तर और यहां से झगड़ा चल रहा है मुसलसल। और आपने सही फरमाया कि 1993 का वो आ जाता है, ठीक है कि वहां पर अब ये मामला तय करना है। लेकिन 1993 से पहले क्या हुआ, ये झगड़ा कभी रुका ही नहीं। ये जॉर्डन में बैठे रहे, जॉर्डन में इन्होंने स्टेट विद इन स्टेट बना लिया और शाह हुसैन परेशान हो गए थे और उन्होंने मार्शल कर लिया। फिर बाद में वो अब इजिप्ट के सदर आए, फिर आपस में मामला तय हुए और फिर इनसे कहा भैया हल्का हाथ रखो जॉर्डन से निकलो, तो फिर ये और जॉर्डन में इनको मारा भी इसराइली फौजियों ने, तो यहां से निकले और फिर तुनिसिया गए जैसे आपने फरमाया। लेकिन वो जो फर्स्ट इंतफादा हुआ जो 1987 से 1993 तक, उस दरमियान में जो लोग मरे और खुद यासिर अरफात का जो रोल रहा 1975 तक, उसके अंदर 7 ओलंपिक्स आपको याद होगा मारे गए थे, आपको याद होगा 4 जहाज उन्होंने अगवा किए पीएलओ ने, 3 को उन्होंने आग लगाई और वेस्टर्न कौमों ने खासा और कई एक इनके सोल्जर्स को अगवा करके मारा। तो ये सब सिलसिले गोरिल्ला फायर में जैसा होता है ये सब कुछ 1975 तक चला। 1975 के बाद जब इनको पैलेस्टीनियन का प्रेसिडेंट पैलेस्टीनियंस के जो उसका एक बाजाबता रिप्रेजेंटेटिव दे दिया गया और इनको यूएनओ बुलाया गया एड्रेस करने के लिए, तो ये वहां पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने तकरीर करी और पहली बार शे वेव की। 1987 से 1993 के अंदर खूब ब्लडशेड हुआ, अमन नहीं आया। हालांकि 1993 में आपने सही कहा ओस्लो अकॉर्ड हुआ और ओस्लो अकॉर्ड के बाद इनको 1994 में नोबेल प्राइज मिला और ये मामला तय हो गया कि भाई अब आप जो है वो फलस्तीन को एक्सेप्ट कर लीजिए और वो जो है सॉरी इसराइल को एक्सेप्ट कर लीजिए और वो आपको फलस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दे देते हैं, आप वहां पर अपनी फलस्तीनी स्टेट बना लीजिए। दिल साफ नहीं थे ना उन्होंने वो साफ खाली किया, उन्होंने गाजा स्ट्रिप्स के इर्द गिर्द सब दीवारें खड़ी कर दी और वेस्ट बैंक में वैसे ही वो ज्यूश को आबाद करते रहे। इधर से इनका भी मैं समझता हूँ दिल साफ नहीं था और ये भी गोरिल्ला फाइट करते रहे मुसलसल। यही वजह थी कि पीछे से हमास आ गया और दूसरा इफ्तिदा क्या कहलाता है वो इंतफादा हुआ और उसमें फिर 2000 से 2005 में तो जो ब्लडशेड हुआ है वो पहले वाले इंतफादा को तो भूल ही जाइए, जितना ब्लडशेड हुआ इसमें सारा इनका रोल रहा। अब 2004 में जब इनकी डेथ हुई है तो अब दैट्स फाइन, लेकिन 2004 तक ये बहरहाल उसके सदर रहे और उसके बाद 2012 2013 2014 वॉर मुसलसल चलती रही। कहते हैं 67 वॉर्स हुई अभी तक चली रही है मुसलसल, तो अभी तक हम किसी नहज पर नहीं है। मगर अगर आप 1993 में जो ओस्लो हुआ था उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, या अगर आप चाहें तो पहले हम उसकी थोड़े साइकोलॉजिकल मसले पर बात करें। तो आप या आप अरफात के इस मसले को कहाँ देखते हैं? ये जो पीस अवार्ड मिला है इन्हें, इसके ऊपर तो खैर हम थोड़ी देर में बात कर लेते हैं, हो सकता है कि आपको एक सेगमेंट बढ़ाना ही पड़ जाए, मगर ये जो पीस अवार्ड मिला है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यासिर अरफात का जो भी रोल रहा वो कहने की बात ये है कि मदर टेरेसा को भी मिला है सर अवार्ड, अवार्ड नेल्सन मंडेला को भी मिला है अवार्ड, पीस अवार्ड जो है वो ऐसे जब आप उस फैमिली में शामिल हो रहे हैं तो फिर आपका दामन साफ होना चाहिए, इसको हम आसानी से नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे इस पूरी। मुझे एहसास है कि आप जो ना तो हमारा जो इख्तलाफ जो हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जितने नोबेल पीस प्राइज मिले इनमें से एक बड़ी अक्सरियत है यही नहीं जो शुरू में वायलेंट मूवमेंट्स के साथ इन्वॉल्व थे, चाहे वो गोरिल्ला वॉर हो चाहे कोई और तरह की, लेकिन मुझे लगा कि जो इनकी अगर साइकोलॉजिकल बात की जाए कि नौजवानी में एक तशद्दुद है, एक जज्बा है, एक शिद्दत है, लेकिन जो ये ओल्डर होते गए
जब हम नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो उनकी बात में भी ये जो हम जोसेफ रबिन की बात करेंगे कि जब ये 10 15 20 साल गुजार लेते हैं फिर एक लम्हा आता है जब एक डिसाइसिव मोमेंट है कि हम इसी को आगे बढ़ाएं या एक यू टर्न लिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लम्हा आया जब इनको ये एहसास हुआ कि ये बात इस तरह नहीं बन रही, तो हो सकता है अगर जोसेफ रबिन के साथ हम सुलह सफाई कर लें तो कहीं एक होप, चाहे बाद में वो बात नहीं बनी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक रोशनी की किरण या एक होप की किरण, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो इन्वॉल्वमेंट थी इनकी पैलेस्टीनियंस के कॉज के साथ, मतलब उन्होंने एक कॉज था और कॉज के लिए जो कुछ भी हो सकता था किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो कोशिश है, जो काविश है, जो रियाजत है, वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ये कई महाजों पर लड़ रहे थे, क्योंकि बाकी आप देखें वो उनका एक महाज है। तो इनके साथ जैसे आपने भी कहा कि जॉर्डन में भी मसला है, सीरिया के साथ भी मसला है, कायरो के साथ भी, मतलब इसराइल के साथ भी, और बेचारे ये कहीं भी इनका जो पूरा ग्रुप है वो कहीं, तो कहीं इनकी कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि हो सकता है हम उसको एक तरह से पीसफुल कर ले, लेकिन वो यही हुआ कि जो ही ये इन्होंने पीस की बात की, हाथ में लाया, तो उधर यूसुफ रबिन को भी कत्ल कर दिया और इनके खिलाफ हमास को खड़ा किया कि अब ये जो है ना पीछे, इसलिए ये मामला मैं समझता हूँ कि काफ़ी गुंजलक है, यू नो, लेकिन हिस्ट्री है, मतलब अब आप जो खुल के हम बात अगर करें तो बतौर ह्यूमनिस्ट के, मतलब ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर आप, जब हम गांधी की बात करेंगे कि मार्टिन लूथर किंग की, क्या आप एक अमन पसंद तरीकों से इनकलाब ला सकते हैं या नहीं? ये जो गुरिल्ला वॉरियर्स हैं या जो बेसिकली गुरिल्ला वॉरियर, वहाँ से इसका ताल्लुक जाके माओ ज़ेडुंग से जुड़ता है। उन्होंने कहा है कि आप स्टेट लेवल पे या एक बड़े लेवल पे सिस्टम को बदलने के लिए आप पीसफुल मीन्स रिफॉर्म मार्टिन लूथर किंग वाली ला सकते हैं, लेकिन आप स्टेट बनाना या स्टेट को उलटना या पूरी तरी करना, वो माओ ज़ेडुंग भी, लेनिन भी, हो ची मिन्ह भी, ये सब लोग जो ना जो इनकलाबी थे, ये गुरिल्ला वॉरियर थे, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है और हम इसीलिए बेतकल्लफी से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका अपना, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप देखिए डॉक्टर साहब, पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है कि हमें नॉन बायस होकर देखना चाहिए, बीइंग ए ह्यूमन, कि मैं ऑफ कोर्स मैं तर्जदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर 6 मिलियन मरा है ज्यूश अभी रिसेंटली 45 के तक, और सारी दुनिया से उनकी ट्रांसमाइग्रेशन हो रही है, उनकी माइग्रेशन हो रही है, उनके पास भी अब कोई जगह नहीं है, देर इज नो रूम देर, लाइक है ही नहीं कहीं जगह, उन्होंने 2000 साल से कोई जगह बनाई नहीं, अब वो सेटलमेंट के लिए वो इस जगह आ गए, अब वहां पर उनका भी मसला सर्वाइवल का है, उनके पास और कोई जगह नहीं है। इधर फलस्तीनी हैं जो यहाँ पर हैं, इनके भी अपने मसाइल जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर बहरहाल आप अरेबिक स्टेट्स के साथ आप मिडल ईस्ट में बैठे हुए, तो आपके पास फिर भी दूसरा रूम है, यानी आप ये देखिए ना कि यासिर अरफात साहब की जो मूवमेंट है इसमें इनकी मुसलसल इजिप्ट इनको फीट करता रहा है, इजिप्ट भी और सीरिया भी और ये सारे ममालिक इनकी मदद करते रहे, ये पैसा उधर ही से आया है, जो कुछ बाद में जो ईरान है यहाँ पर, ये भी मुसलसल इनकी मदद कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस मूवमेंट के अंदर ये सब लोग हैं, उधर दूसरी तरफ इसराइल है, मैं मानता हूँ कि अब उनके पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड से हैं या अमेरिकन स्टेट पीछे है, वो एक अलग बात है, मगर उस दौर की बात ये नहीं थी, उस वक्त अमेरिका सुपर पावर नहीं था, वो दौर दूसरा था, 1947-48 के दौर में अभी एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी, अभी रशिया नए ना उसमें रेवोल्यूशन आया, अभी तो बकौल कैसे कोल्ड वार का सिलसिला शुरू हुआ है और जाएंगी उस तरफ चीजें, तो वो एक अभी वो सिनेरियो उतना वैसा नहीं था। ऐसी हालत में अगर हम उस एंगल से उस विजन में उधर देखें तो हमें अंदाजा होता है कि वो भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, इनका अपना नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस नहीं हो पाया कि मुझे लगा कि इससे जो है नोबेल पीस प्राइज की जो एक क्लियर डेफिनेशन है ना वो बड़ी ग्रे बन जाती है। लाइक गांधी जी को क्यों नहीं दिया फिर आपने? 3 बार उनको नॉमिनेट किया गया और फिर पोस्टह्यूमन भी नहीं, मतलब मरने के बाद भी उनको नोबेल प्राइज तो मरने के बाद नहीं देते। यहाँ पर जो मैं समझा कि वो शख्स यासर अरफात जो बतौर टीनेजर नेशनलिस्ट मूवमेंट आता है, वो पहले तो फलस्तीन की जो ना उसकी बर्थ के खिलाफ है, मतलब पहले दिन से वो उसके खिलाफ है और चाहता है कि इसको उखाड़ के फेंक दे और हम फलस्तीन ले। मैं ये समझता हूँ जो चेंज ऑफ माइंड है कि एक लेवल पे आ जाता है कि अच्छा इसराइल है, अगर हम टू नेशन स्टेट की थ्योरी, मतलब है कि इस तरफ इसराइल भी हो और इस तरफ पैलेस्टीन, मतलब दो स्टेट्स हों, वो उसको माने, अगर ये
और जब नोबेल पीस प्राइज़ के अगर आप स्पीच पढ़ें उसमें पीस वर्सेस लैंड, उनका ये था कि अगर हमें जो हमसे लैंड जो ले लिया गया है, ये जो दो वॉर जिसका आपके जिक्र किया, जो मतलब अगर आप नक्शा देखें तो फलस्तीन है, उसके बाद इसराइल 47-48 का छोटा सा है, बढ़ते बढ़ते 67 मतलब है आधा नक्शे पे अब आप देखते हैं। तो उनका ये था कि आप पीस हम करते हैं, आप हमें वापस जाने दें, आप एक स्टेट को एक्सेप्ट करें और हम मिलकर एक साथ साथ एजम साई के रहें। तो ये जब आइडिया जिसने भी पेश किया तो इन दोनों का जो हैंडशेक था वो इस पर था। तो मेरा और मेरा ये ख्याल था, मैंने एक बल्कि किताब पूरी लिखी थी अमन की देवी इस हवाले से कि मुझे उस पर पैक पे यही तस्वीर थी, बल्कि होता मैं किताब लेके आता आपको दिखाने के लिए। तो मेरा ये ख्याल था कि उस वक्त इनकी ख्वाहिश थी दोनों की, एक तरह के आइडियलिज्म हम उसको कह लें कि हम अगर हाथ मिला लें और कुछ लोग हमारे साथ मिल जाएं और हम ये टू स्टेट पैलेस्टीनियन स्टेट भी बन जाए और इसराइली स्टेट भी हो जाए हम मान लें, और तो इस पर लेकिन ऑब्वियसली वो बात बनी नहीं, मतलब वो कच्चा पक्का था, इससे पहले कि उसकी बुनियादें मजबूत होती वो नहीं रहा। तो बहरहाल ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई है जो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन थी, लेकिन बहरहाल मेरी सिंपथीज दोनों के साथ है, यू नो के मतलब जो इसराइली थे उन यहूदियों के साथ, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और उनको कोई सर छुपाने को जगह थी, लेकिन ये हो सकता था अभी भी मैं समझता हूँ, जैसे अभी भी पाकिस्तान में भी पूरा चल रहा है कि इसराइल को माना जाए या ना माना जाए कि मतलब, और उस पर हमारे जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उस सिचुएशन को वो करने के लिए कि दोनों मिलकर साथ साइड बाय साइड जो है ना वो एजम साए के रहें, ये मुमकिन है ये नहीं। तो आप एक पॉइंट करें, मैं असल में आपको दो चार शेर भी सुनाना चाहता हूँ, जरूर जरूर, यू नो क्योंकि मैं जब इसराइल गया था यू नो मैं इसका एक, क्योंकि इतना शिद्दत हमने बहुत जज्बाती पैशनेट बातें की हैं, तो जब मैं इसराइल गया मुझे शौक था कि मैं गाजा भी गया, क्योंकि ये गाजा के ना मैं ओल्ड जेरूशलम भी गया, मैं मस्जिद अक्सा भी गया, वहाँ मैंने धुआं देखा एक दफ़ा जल गई थी यू नो, और मैंने दीवारें गिरिया देखी, और बुलंद इकबाल साहब हैरान होंगे जो मेरे लिए शॉकिंग थी कि दीवारें गिरिया में सब यहूदी आकर न सिर्फ उस जैसे हमारे वो जो मौलवी साहिबान सर लाते हैं, उन्होंने उस दीवार के अंदर वो पर्चियां और अपनी दुआएं डाली थी जैसे हमारे वो उसमें वो मतलब है जो श्राइन्स होते हैं ना उसमें, और फिर मैं जहाँ पे ईसा को मुस्लू वो भी मैंने देखा, ये सब मैं देख के मैं वापस आ रहा था। तो जहाज में बैठा था तो मैंने चंद शेर लिखे, तो वो मैंने कहा कि यह है तो पॉलिटिकल, इसका उनवान ही है इसराइल, क्योंकि अगली दफ़ा हम छतरबीन की बात करेंगे। तो शेर है कि नफरत भी अजब और मोहब्बत भी अजब थी, नफरत भी अजब और मोहब्बत भी अजब थी, उस शहर में कुर्बत की रिवायत भी अजब थी, और दीवारें थी हमराज मगर दिल में खलीजे, दीवारें थी हमराज मगर दिल में खलीजे, हमसायों की आपस में रकाबत भी अजब थी, और एक बाप की औलाद मगर खून के प्यासे, ये सब इब्राहिम के ही बच्चे, एक बाप की औलाद मगर खून के प्यासे, दुश्मन थे मगर उनमें शबाहत भी अजब थी, बहुत अच्छा, और जो शख्स मिला कांच का पैकर लगा मुझको, और कांच की पत्थर से रफाकत भी अजब थी, इंतफादा में पत्थर फेंकते, और आखिरी शेर है कि हर नस्ल नई नस्ल को देती रही हथियार, हर नस्ल नई नस्ल को देती रही हथियार, उस शहर में खालिद ये विरासत भी अजब थी। वाह वाह। तो दोबारा बुलंद इकबाल साहब, इसके हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। ख्वातीन हज़रात, इस पे एक प्रोग्राम में वो नहीं हो सकती उसका जस्टिफिकेशन, लेकिन अच्छी बात ये है कि अगला प्रोग्राम जो है वो यूसुफ रबीन के बारे में, वो भी इसराइल के थे, तो इसकी ये जो बातें आज हमने की हैं उसको थोड़ा सा और हम एलेबोरेट करेंगे, और बुलंद इकबाल साहब से चूँकि हमारा थोड़ा सा खुलकर हमने कहा कि हम बात करें आपसे बेतकल्लफी से, ताकि आप भी सोचने पर मजबूर हों कि ये वाकई मेरे ख्याल पूरी दुनिया में जो अमन का जो एक क्वेश्चन मार्क है, वो अगर इसराइल में, अगर फलस्तीन में, अगर मिडल ईस्ट में अमन आ जाता या आ जाए तो वो सारी दुनिया के लिए एक अच्छा एक शगुन हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया है और सब लोग इसके बारे में बहुत पैशनेट हैं। तो हम हाँ जहाँ आपसे इजाज़त लेते हैं यहाँ कनाडा में रात के 10-10 बजे, तो हम आपको शब बखैर कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। We
Welcome to Soho's Fashion Studio, a wonderland of designer and bridal couture, where our in-house designers will design your dream dress and our fashion houses in Pakistan will create it. Find casual to luxury fabrics under one roof. Quality is our number one priority. We are open Tuesday to Sunday, 12:30 to 7:30. Shipping internationally and within Canada is also available. Visit us at 2275 Britannia Road West, Mississauga, Unit 15. Or call us at 647-967-0351. Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination. We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhantravels.com. Are you looking for a different type of realtor? Meet Soheil Khan, broker owner of Century 21 Innovative Realty Inc. You don't need to know a lot about real estate, but you do need to know Soheil Khan, who knows a whole lot about real estate. He knows contracts, negotiations, research, he knows the market, and he really knows the area. When it comes to real estate buying or selling, Soheil Khan is a know-it-all. Get to know Soheil Khan. 416-822-0305 or at soheilkhan.ca. Experience excellence. Team Farhan Mortgage Solutions aapki khidmat mein pesh pesh. 15 saala tajrube ke hamil. Aapki zaruriyat aur marzi ke ain mutabik. Karobari, rehaishi, tamirati aur zarai mortgage services. Hamara kam tareen mortgage rate. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा एंड दिस इज माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड एट टीम फरहान वी हैव अ मॉर्गेज सॉल्यूशन डिजाइन्ड फॉर यू मजीद मालूमात के लिए 416-569-9294 या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.teamfarhan.com Air Wings Travel and Tours, North America ki sabse baitamad aur fastest air travel services. 25 saal ka tajruba liye, latadad affordable travel deals ke saath. Excellence in customer services on just one phone call. Ye hai Air Wings Travel and Tours. For booking, call now 1-855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. Was your family or business prepared for this financial crisis? Want to learn how I prepare my clients with the essential financial planning pyramid for any financial crisis come their way? Hello, this is Zahid Sayed from Rooj Financial. For your complimentary Zoom or Skype meeting, call my office at 905-624-0008 or visit roojfinancial.com.